बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा ये चैनल आप सबकी दुआओं के साथ अच्छा चल रहा है। हमने इस चैनल पर काफ़ी सारी लड़कियों के रिश्ते पेश किए हैं। हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। आज का रिश्ता मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ये रिश्ता एक ऐसी लड़की का है जिसने शादी के 3 माह बाद अपने खावन से अलीहदगी ले ली थी। उसका नाम बतूल है। बतूल की उम्र 28 साल है। बतूल ने BSc की हुई है। कद 5 फुट और 4 इंच के करीब है। बतूल का एक भाई है और एक बहन है। भाई FSc कर रहा है जबकि बहन अभी छोटी है और वो मैट्रिक की तैयारी कर रही है। बतूल के वालिद साहब का मेडिकल स्टोर है जो अच्छा खासा चलता है। बतूल का रिश्ता जिस खातून ने करवाया था वो इनके महल्ले की एक औरत थी जो घर घर जाकर रिश्ते करवाने का काम करती थी। इस औरत ने बतूल की माँ को एक रिश्ता दिखाया। ये रिश्ता ऐसे लड़के का था जो इनकम टैक्स के महकमे में मुलाजमत करता था। देखने में लड़का बड़ा हैंडसम और खूबसूरत था। बतूल के घर वालों को ये लड़का अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा कि लड़का अच्छा है और सरकारी मुलाजमत भी करता है तो इसका रिश्ता माकूल है। इसलिए बतूल के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी इस लड़के से तय कर दी। शादी के बाद बतूल ने महसूस किया कि इसका शोहर रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद कई कई घंटे सोया रहता है। बतूल ने सोचा कि शायद ये काम करके ठीक थक जाते हैं इसलिए इतना ज़्यादा सोते हैं। मगर बतूल का शोहर नशा करता था। इसको इस हकीकत का पता उस वक़्त चला जब उसके शोहर ने नशे की हालत में उल्टी सीधी बातें करने लगा और इस हालत में उसके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल भी आती थी। अपना नशा पूरा करने के लिए अगर इसके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो फिर वह बतूल को मजबूर करता कि वह अपने माँ बाप के पास जाकर कुछ रकम लाए। मगर बतूल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, यूं ही बतूल ने रकम लाने से इनकार कर दिया। उसने बतूल को मारना शुरू कर दिया। फिर बतूल ने अपने माँ बाप को फ़ोन करके सारी हकीकत बताई। बतूल के घर वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का शोहर एक नशेई है। मगर जब उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों से तफ्तीश की तो पता चला कि वो एक आधी नशेई था जो अरसे 10 साल से नशा कर रहा था। इसलिए बतूल के घर वालों ने इस नशे से पीछा छुड़वाने का फैसला कर लिया और बतूल को अपने घर ले आए। अब बतूल के वालदैन अपनी बेटी के लिए नया रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अल्लाह करे इनको नेक और शरीफ लड़का मिले जो बतूल के सारे गम दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना दे। तो नाज़रीन, अगर आप इस रिश्ते के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप हमें कमेंट्स करके बता दें। और हाँ, आपने अपना कोई भी फ़ोन नंबर वगैरह ज़रूर बताना है। तो अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।